चुके हुए कार्य जल्द दिए गए समय पर शुरू नहीं हुआ तो पार्षद दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। नगर निगम की लापरवाही के कारण वार्ड 29 सहित अन्य वार्डों में कार्यों की रफ्तार बहुत धीमी से जनता बेहाल। डॉक्टर मुन्ना खान। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 29 को लेकर डॉक्टर मुन्ना खान ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सड़क व नाला का कार्य आदेश पत्र के बाद भी दरभंगा नगर निगम के अभियंता व ठेकेदार की मिलीभगत के कारणों से पिछले कई महीनों से आज तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण पार्षद सबाना खानम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे की जानकारी दिया। देखिए है क्या, नगर निगम बिल्कुल नरक निगम बना हुआ है। मैं कई साल से कहता आ रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है कि जब अस्थाई समिति द्वारा सबसे पहले वार्ड पार्षद द्वारा योजना दिया जाता है, योजना देने के बाद उसको अस्थाई समिति निर्णय लेकर उसको बोर्ड में लाती है, बोर्ड में उसको पास करवाकर इंजीनियर द्वारा जब उसकी असल इंक्वायरी होती है उसके बाद टेंडर में जाता है, टेंडर होने के बाद तब वर्क ऑर्डर में जाता है, वर्क ऑर्डर के बाद भी आप ये देख लीजिए 1.5 साल से ऊपर जिस काम को आज से 27 मई 2020 को खत्म हो जाना था, आज देख लीजिए आज तारीख हो गया आपको लगभग 5 अक्टूबर 2021, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस 1.5 साल में खान चौक और का जो रोड है और नाला है, नाले का निर्माण हो गया, नाले के निर्माण को हुए लगभग जो है हम समझ रहे 6 महीना हो गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, उस पर मिट्टी गिरा के ठेकेदार कहां भाग गया समझ में नहीं आ रहा है। और जब इंजीनियर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन दे दिया गया। भैया किस चीज का एप्लीकेशन दिया गया, किन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या उनके मकान का नक्शा पास है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या वो अस्थाई लोग हैं, कोई भी उठा के दे देगा अगर के वार्ड नंबर 30 तक छवि बनी हुई है उस पार्षद को बदनाम किया जाए। इसीलिए आज तंग आकर हमने अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा था डॉक्टर वारिस को, उनके माध्यम से वहां ये लेटर रिसीव करा दिया गया है। और अगर लेटर रिसीव ही नहीं कराया गया, हमारे प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले हैं और उनको कहा गया है कि अब विलंब इस पर अपने स्तर पर जांच करवाकर काम शुरू करवाएं, अन्यथा मुझे निसंकोच किसी भी हाल में जाकर इस्तीफा दे देंगे, मुझे कोई भी अपने पद की लालसा नहीं है। सर ये देखा जाए कि अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जब उसका वर्क ऑर्डर मिला था तो बारिश भी परेशान कर रहा है, क्या ये भी एक इफेक्टिव हो सकता है? एक बात बताइए, बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये बात आई थी कि जब बारिश के पहले आपने फरवरी में काम खत्म कर दिया नाले का, तो आपने अप्रैल के पहले पहले मिट्टी गिराकर उसको क्यों नहीं काम खत्म कर दिया, आपने क्यों नहीं किया काम, जबकि आपने कहा था कि ईद तक ये रोड बन जाएगा, बारिश तो ईद के बाद शुरू हुई है, आपने क्यों नहीं काम किया? दूसरी ओर कुख आदम का जो काम हो रहा है वो रुका पड़ा हुआ है, वहां पर लोगों ने दे दिया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या दिया भाई कि रोड ऊंचा, रोड क्या ऊंचा रहा, रोड पे आपको पानी लगा रहता है, अगर के नाली नहीं बनेगा, रोड अगर चेंज ऊंचा नहीं होगा तो पानी जाएगा कहां। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एप्लीकेशन देते हैं वो जांच के विषय उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए और अविलंब काम को पूर्ण कराया जाए, तुरंत अविलंब इस काम को खत्म कराया जाए, नहीं तो हम तो इस्तीफा देंगे ही, और इस्तीफा देने के बाद नगर निगम का क्या हाल होगा वो नगर निगम के अधिकारी जानेंगे। ऐसे जब आप आज आवेदन देने के लिए गए थे तो क्या आश्वासन मिला नगर आयुक्त की तरफ? जी हाँ, जो मेरे प्रतिनिधि गए थे उन्होंने इंजीनियर साहब को बुलाया, खूब डांट पिलाई और कहा कि इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।